हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. आपके सीयूईटी 2023 का रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है. बहुत इंतजार था इसका, काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी डीले हो गया, बट दैट्स ऑल राइट बिकॉज फाइनली अब आपका रिजल्ट आ चुका है. सामने एक क्लियर पिक्चर है, एक स्कोर कार्ड है. अब आपकी एक स्ट्रैटेजी होगी कि कहाँ अप्लाई करना है, कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना है. और अगर इन सब चीज़ों को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो डू नॉट वरी एट ऑल. वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ लाइव सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, जहाँ पर आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. तो आज का ये जो वीडियो है, इट इज अ लिटिल डिफरेंट. ये मैं आपके कट ऑफ्स रिलेटेड या एनालिसिस को लेकर नहीं लेकर आई हूं. ये वीडियो है, इफ यू रिमेंबर, हम आपके लिए लेकर आए थे नो योर यूनिवर्सिटीज के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पार्ट वन, जिसमें हमने आपको बताया था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड क्या है और उसके कितने कैंपसेज हैं, उनकी रैंकिंग्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इस वीडियो में अगेन, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ नोइंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली. और इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं कि सीयूईटी के थ्रू बीएचयू कौन से कोर्सेज ऑफर करती है और उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो योर जॉब इज, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज वी टॉक अबाउट ऑल थिंग्स यूईटी ओवर हियर. सो इफ दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ऑल राइट, तो सबसे पहले तो मेरे यहाँ पे गूगल का पेज खुला हुआ है, सर्च वेब पेज खुला हुआ है. और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो आप CUET अगर टाइप करेंगे तो आपके पास में सबसे पहले जो सर्च रिजल्ट्स आएंगे उसके अंदर टॉप पे आपकी CUET की वेबसाइट आ जाएगी, विच इज वॉट CUET.samarth.ac.in. तो आपको लॉग इन करना है CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपको वहां जाना है यूनिवर्सिटीज में. और यहाँ पे सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. देखिए, बहुत सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है, वो बहुत सारी कैटेगरीज में भी डिवाइडेड है, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सम अदर यूनिवर्सिटीज़. लेकिन हमारी आज की यूनिवर्सिटी BHU है, तो अल्फाबेटिकली B पर है, आपको यही मिल जाएगी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. दैट इज वॉट आर एनालिसिस इज गोइंग टू बी अबाउट. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम BHU जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है वाया CUET. ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी BHU के सारे प्रोग्राम्स और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. तो एक एक करके बात करते हैं इनके ऊपर कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखने लायक हैं. ऑलराइट, लेट्स लुक इनटू इट. तो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके डिग्री कोर्सेज में सबसे पहला कोर्स जो है, जस्ट अ सेकेंड, वो है BA ऑनर्स का कोर्स, राइट, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन सोशल साइंसेस. ठीक है, और इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट ऑल थिंग्स डू यू रिक्वायर फॉर दिस कोर्स. तो अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक तो सेक्शन 1A के अंदर कोई ना कोई लैंग्वेज टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. इट इज मैंडेटरी टू चूज एनी वन ऑफ द लैंग्वेज, इधर हिंदी और इंग्लिश, एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू गिव द जनरल टेस्ट. यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि GT जो है वो बहुत से कोर्सेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत से कॉलेजेस. और देखिए, GT देना क्यों नेसेसरी है, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में एक बार बात करना चाहती हूँ. जो आपका जनरल टेस्ट है सेक्शन 3 के अंदर जो आता है, बहुत से स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि हम GT दें या नहीं दें. तो हो सकता है कि आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, कोई कोर्स टारगेट कर रहे हैं, और वहाँ पे GT में भी नहीं है नेसेसरी. लेकिन कोई और यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इन द कॉम्बिनेशन वो ये कह रहे हैं दैट दे डू नीड GT, उनको जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो GT देना आपके लिए हमेशा ही एक सेफ ऑप्शन रहता है. आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो जब आपका कोर्स कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, जब आप ज़्यादा सब्जेक्ट्स और सारे डोमेन्स को सेलेक्ट करते हो और सारे सेक्शंस अटेंड कर रहे हो और उनके अंदर आपके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं, तो आप मैक्सिमम जगह पे फॉर्म फिलिंग में अपने ऑप्शंस डाल सकते हो. आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं कि आप कौन से कॉलेजेस में जा सकते हो, अंडर विच कोर्स, राइट. तो BA ऑनर्स के अंदर आपको अगेन, एज आई सेड, आपको लैंग्वेज यू नीड टू ईदर हैव हिंदी इंग्लिश, एंड यू ऑल्सो नीड टू हैव द जनरल टेस्ट, यू नीड टू हैव गिवन द जनरल टेस्ट इन CUET.
ऑल राइट right. उसके अलावा यहाँ पर अगर हम कहें तो 50% मार्क्स आपके 12th के भी मैटर करेंगे. ओके सो दो BHU ऑब्वियसली CUET का स्कोर कार्ड तो डेफिनेटली मैटर करेगा, इट विल बी इम्पॉर्टेंट, आपकी रैंकिंग वही बनाएगा, बट 50% 12th के मार्क्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और इसके सारे कोर्सेज इसी टाइप के हैं जहाँ पे वो 50% मार्क्स 12th के मांग रहा है. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नोट कि BHU में एडमिशन के लिए 12th के मार्क्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 50% मार्क्स 12th का ही वेटेज है. इसके बाद हम आते हैं द नेक्स्ट कोर्स, दैट इज शास्त्री. तो शास्त्री जो है वो एक्चुअली इट इज बेसिकली BA इन शास्त्री संस्कृत जिसको हम कह सकते हैं. और इसके लिए एज एक्सपेक्टेड सेक्शन 2 के अंदर यू नीड टू हैव विच सब्जेक्ट, संस्कृत. ओके यू नीड टू हैव गिवन द एग्जाम फॉर संस्कृत एंड देन ओनली देन यू आर एलिजिबल टू फिल दिस एज योर कोर्स इन BHU. ओके एंड एज यूजुअल आपको 50% मार्क्स चाहिए 12th के अंदर. ओके अलॉन्ग विथ देर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो वेन यू आर गिविंग शास्त्री, कि 50% मार्क्स के अलावा यू मस्ट हैव पास्ड माध्यम एग्जामिनेशन अंडर BHU और उत्तर माध्यम UPA शास्त्री इंटरमीडिएट में कहीं पे भी आपका एज सब्जेक्ट संस्कृत होना चाहिए इन योर 12th, इन योर इंटरमीडिएट, इन योर 10th समवेयर. ऑल राइट ओके देन आता है BA LLB का कोर्स जो कि काफ़ी फेवरेट कोर्स रहता है. BHU का ये वन ऑफ द मोस्ट टारगेटेड कोर्स रहता है, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं. तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो इफ़ यू वांट टू डू BA LLB इन ऑनर्स फ्रॉम BHU व्हाट ऑल थिंग्स डू यू रिक्वायर, तो सबसे पहले सेक्शन 1A में लैंग्वेज टेस्ट होगा, हिंदी एंड इंग्लिश यू शुड हैव गिवन दैट. सेक्शन 2 में लीगल स्टडीज, यू हैव टू चूज लीगल स्टडीज, यू हैव टू गिव लीगल स्टडीज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, यू हैव टू चूज इट एंड गिव एन एग्जाम ऑफ दैट इन CUET. एंड सेक्शन 3 जनरल टेस्ट इज ऑल्सो नेसेसरी इफ यू आर टारगेटिंग BA LLB ऑनर्स. ओके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है कि 50% मार्क्स जो हैं आपके होने चाहिए इन 12th. Those things have not changed at all. उसके बाद हम बात करेंगे BSc Honours की. तो ये BSc Honours Mathematics की बात कर रहे हैं. तो BSc Honours में आपकी और किसी भी चीज़ की requirement नहीं है. Section 2 में आपकी PCM होनी चाहिए, Physics, Chemistry and Mathematics. And then you are eligible to go for this course. Again 50% marks of 12th. Again and again मैं बोल रही हूँ 50% marks 12th का देखा जाएगा आपका when you are taking admission in BHU. फिर आ रहा है BSc ऑनर्स का कोर्स बायोलॉजी में, राइट. बहुत ही जनरल, ये तो एविडेंट ही है कि जब आप मैथमेटिक्स में कर रहे हो तो PCM चाहिए, यहाँ PCB चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए एंड बायोलॉजी चाहिए. तो सेक्शन 2 में आपके ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए व्हेन यू हैव गिवन द CUET. सो या दीज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इफ यू आर टारगेटिंग BSc ऑनर्स इन बायोलॉजी. ऑल राइट देन नेक्स्ट आ रहा है आपका BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर. ये कुछ स्पेशल टाइप के BSc भी करवा रहा है BHU, तो आप एग्रीकल्चर में भी कर सकते हो आपके BSc इन ऑनर्स. तो ये कौन सा कोर्स है, BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर और BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर, देयर इज अ स्पेशल कोर्स आल्सो विच इज RGSc. ऑल राइट इसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स क्या है, तो ये बहुत अच्छी बात है. देखिए ये आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफर कर रहा है. सेक्शन 2 के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या तो हो सकता है आपका कॉम्बिनेशन, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, या इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर भी हो सकता है. तो यू कैन हैव 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, PCM, PCB या फिर फिजिक्स, केम और एग्रीकल्चर. दैट इज ऑल एक्सेप्टेबल अगर आपको एग्रीकल्चर में BSc ऑनर्स करनी है फ्रॉम BHU, राइट. फिर हम आते हैं BTech पे. तो BTech भी कर सकते हो आप BHU से CUET के थ्रू. एंड दो डोमेन है, बहुत ज़्यादा डोमेन नहीं मिलेंगे इसके अंदर आपको. या तो आप BTech इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो, या फिर आप BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हो. ऑलराइट तो इन दोनों के लिए ही इट इज़ द सेम. आप सेक्शन 2 के अंदर इफ़ यू हैव केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अगेन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो बेसिकली PCM चाहिए, यू शुड हैव गिवन PCM's एग्जाम इन द सेक्शन 2 ऑफ CUET, देन यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर द BTech कोर्स ऑफ BHU वाया CUET. अदरवाइज आप दूसरे एग्जाम्स के थ्रू तो कर ही सकते हो BTech डेफिनेटली. फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज आ रहे हैं. सो ये सब आर्ट्स एंड बेसिकली आर्ट्स के कोर्सेज हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के कोर्सेज हैं. तो यहाँ पे BPA का एक कोर्स चलता है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. अब इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज आएंगे
और इनके अंदर सबके अंदर बेसिक सब सेम है। देखिए तो बीपीए इंस्ट्रूमेंटल सितार में होता है, फिर बीपीए फ्लूट के अंदर होता है, फिर उसके बाद में बीपीए इंस्ट्रूमेंटल वायलिन में हो सकता है। इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, दैट इज समथिंग दैट यू वांट टू टारगेट एंड दैट इज समथिंग यू वांट टू डू, देन आप बीपीए तबला में कर सकते हो। अगेन इसके लिए भी सेम है, सेक्शन टू में परफॉर्मिंग आर्ट्स होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। बीपीए और भी चीजों में हो रहा है, इंडियन क्लासिकल डांस, कथक, इसके अंदर आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स होना चाहिए। तो अगर आप बीपीए का कोई कोर्स टारगेट कर रहे हैं, बीपीए इज बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो कि मैंने बताया आप बहुत सारी फील्ड्स में कर सकते हो। यू कैन डू इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल सितार, वायलिन, तबला एक्सेट्रा, म्यूजिक में अगर आपको करना है, तो डांस में भी कर सकते हो। तो उनके लिए सबसे कॉमन यही है, उनके अंदर ये कॉमन है दिस दैट यू शुड हैव परफॉर्मिंग आर्ट्स इन योर सेक्शन टू। ऑलराइट, दिस इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ देम। वन मोर थिंग दैट इज देयर इज, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होगा कॉम्बिनेशन, वो थोड़ा इस तरह का होना चाहिए कि आपके एक तो 10+2 के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, और वहाँ एक सब्जेक्ट, वहाँ सब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से होने चाहिए। वहाँ या तो यू शुड हैव म्यूजिक और डांस एज वन ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट्स, ऑलराइट, और म्यूजिक के लिए नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वोकल इंस्ट्रूमेंटल। फिर इसके अंदर और बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जैसे कि आप कथक, भरतनाट्यम, सितार, वायलिन, फ्लूट, तबला, जो भी आपका स्पेसिफिकेशन है ये होना चाहिए इफ यू आर टारगेटिंग फॉर वन ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स कोर्सेज ऑफ BHU। ऑलराइट, ओके, मूविंग अहेड, और कौन से कोर्सेज हैं, लेट्स लुक एट दैट। तो काफ़ी सारे आएंगे बीपीए के, बीपीए का तबला आ गया, वायलिन आ गया, सितार आ गया, कथक आ गया, भरतनाट्यम इज देयर, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वोकल का म्यूजिक दैट इज ऑल्सो देयर। नाउ दीज आर अ लिटिल बिट डिफरेंट अदर, सम अदर काइंड ऑफ कोर्सेज जो कि अनकन्वेंशनल है, बट यू नो मैनी पीपल आजकल जाते हैं फॉर दोज काइंड ऑफ कोर्सेज ऑल्सो। तो एक होता है BFA, यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का कोर्स, विच BHU इज ऑफरिंग। तो BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, इसके अंदर यू शुड हैव इन सेक्शन टू फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स, यू शुड हैव गिवन दैट एज, यू शुड हैव चोजन दैट एज अ सब्जेक्ट इन योर सेक्शन टू। ऑल राइट, एंड अगेन 50% मार्क्स इन योर 10+2, दैट इज योर 12th, दैट इज नेसेसरी। इसके अलावा यू हैव BCom ऑनर्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कोर्सेज ऑफ BHU। तो BCom ऑनर्स या फिर BCom ऑनर्स इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट आप कर सकते हो यहाँ पे। इसके लिए क्या चाहिए आपको सेक्शन टू के अंदर, विच सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आर दे आस्किंग फॉर, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, और सेक्शन थ्री में यहाँ जनरल टेस्ट भी चाहिए, प्लीज नोट दैट। ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू डू BCom फ्रॉम BHU, तो आपके यहाँ पे GT रिक्वायर्ड है इन योर सेक्शन थ्री। मैंने कहा बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें नहीं है, बट देर आर सम कोर्सेज, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। आप अगर BHU को टारगेट कर रहे हैं और आपका कोई स्पेसिफिक कोर्स है कि मुझे ये कोर्स BHU से करना है ऐसा, तो यू शुड नो दिस। जैसे कि अगर आपको BCom करना है BHU से, तो यू शुड नो दैट यहाँ पे ये लोग जनरल टेस्ट मांग रहे हैं, दे वॉन्ट यू टू हैव गिवन द जनरल टेस्ट व्हेन यू हैव गिवन योर CUET। ऑलराइट, ओके, फिर BA ऑनर्स की बात करते हैं। तो BA ऑनर्स इन आर्ट्स, अगेन सेक्शन वन लैंग्वेज टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज यू शुड हैव टेकन, एंड देन सेक्शन थ्री में जनरल टेस्ट, अगेन इट इज रिक्वायर्ड। देन बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम्स, दिस इज अनदर कोर्स, बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम या फिर मार्केटिंग एंड IT। इन मार्केटिंग एंड IT इसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज का कॉम्बिनेशन चाहिए इन योर सेक्शन टू, एंड इन द सेक्शन थ्री दे डू नीड जनरल टेस्ट। फिर अगेन देर आर सर्टन अदर कोर्सेज, बैचलर ऑफ वोकेशन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का कोर्स है ये। इसके अंदर बायोलॉजी का सब्जेक्ट चाहिए, यू शुड हैव, इसमें तीनों चाहिए, सेक्शन वन ए में हिंदी इंग्लिश होना चाहिए, सेक्शन टू में बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है, एंड इन द सेक्शन थ्री अगेन जनरल टेस्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। देन यू हैव बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अंदर PCM चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। देन बैचलर ऑफ वोकेशन इन एग्री बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, इसके अंदर भी आपको फिजिक्स, केम, मैथ्स या फिजिक्स, केम, बायो का कॉम्बिनेशन चलेगा, या फिर यहाँ पे फिजिक्स, केम, एग्रीकल्चर का भी कॉम्बिनेशन चल सकता है अंडर सेक्शन टू। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसके अलावा दे डू नॉट नीड एनी लैंग्वेज टेस्ट और दे डोंट नीड जनरल टेस्ट ऑल्सो। ऑलराइट,
इसके अलावा या दैट इज इट, वी हैव रीच द एंड. द लास्ट कोर्स इज द बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम्स इन टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस. ये बहुत सारे फील्ड हैं जिनको इन्होंने एक साथ में ले लिया है. ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में, जैसे टूरिज्म, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, रिटेलिंग, फैशन टेक्नोलॉजी है, केटरिंग है, होटल मैनेजमेंट है. तो इन सब के लिए क्या है, इन सब के लिए लैंग्वेज टेस्ट इज रिक्वायर्ड, हिंदी और इंग्लिश. देन बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज या बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो जनरल टेस्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. तो बेसिकली काफ़ी सारे कोर्सेज हैं विच यू कैन टारगेट. इस तरह के कोर्सेज में कट ऑफ भी कम ही जाती है, बिकॉज दीज आर रेयर कोर्सेज. ये जो भी हमने देखे, बहुत सारे लोग इनको टारगेट नहीं करते हैं. मोस्ट ऑडियंस का टारगेट जो हमारे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्सेज होते हैं वही होता है BA LLB या BCOM या फिर BA ऑनर्स, इस तरह के कोर्सेज, राइट. सो यू कैन गो, यू कैन सर्च एंड यू कैन गो फॉर सम अदर काइंड्स ऑफ कोर्सेज फ्रॉम BHU ऑल्सो, इफ दैट इज समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन. तो ये थी जानकारी द कोर्सेज ऑफर्ड बाई BHU थ्रू CUET एंड आपका क्या एलिजिबिलिटी रहेगा. But do not worry, this was only for BHU, but again, as I said, we are going to bring a live session for all of you, जहाँ पे हम analyze करेंगे आपके cut off marks क्या रह सकते हैं for different colleges. अगर आपका low score बन रहा है थोड़ा CUET में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा normalized score कम हो गया है, तो आप कौन से colleges में aim कर सकते हो. So all this information we are going to bring for you on our channel. So please do stay tuned to Utkarsh CUET channel. All the best to all of you. Thank you so much and keep hustling.